पिछले क्लास में लेक्चर वन में बताया गया था इसका बेसिक, जिसमें बताए थे हम लोग कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या है, रेडियल किसको कहते हैं, ट्रांसवर्स किसको कहते हैं। आज उसी पर हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो थ्योरम वन बोलता है कि ए पार्टिकल इज ए मूविंग इन ए प्लेन, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी अलोंग एंड पर्टिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। इसका कहने का मीनिंग है कि सपोज कर लेते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट है, यह हो गया ओ एक्स इनिशियल लाइन और इसमें एक कर्व मूव कर रहा आपका। तो जैसे ही आपका कर्व ने मूव किया तो एक पॉइंट पी पर पहुंचने पर टी समय पर है ना, टी टाइम पर पी पॉइंट पर पहुंचता है और अब पी का हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक पोलर है इसलिए कितना होगा आर और थीटा। आर का यहाँ पर रेडियस, थीटा क्या होगा इसका एंगल विथ इनिशियल लाइन ओ एक्स। अब क्वेश्चन उठता है कि जो पॉइंट पी पॉइंट पर है यह मूव करके कहां गया पर क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट जो है पी का बहुत नजदीक है, बहुत नियर क्लोज है, हम लोग दिखाने के लिए दूरी लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग जब भी पॉइंट को मूव कर्व जब मूव करेगा तो आपका वो नियर पॉइंट सबसे नजदीक का पॉइंट लेना पड़ता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम पॉइंट पॉसिबल नहीं है लेकिन मिनिमम पॉइंट पॉसिबल है कि हम लोग जिसका नजदीक क्या ले सकते हैं। जैसे इसके नजदीक स्मॉल है तो क्या हुआ स्मॉल चेंज करेगा, इसमें इसमें आर है, इसमें क्या हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर स्मॉल चेंज हुआ, डेल्टा आर स्मॉल चेंज किसका आर का, थीटा कितना स्मॉल चेंजिंग डेल्टा थीटा, तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हुआ आपका। तो जैसे मूव किया तो इसके पोल से मिला तो कहाँ पहुंचा ओ से क्यू, और इसका जो रेडियस होगा कितना हुआ आर प्लस डेल्टा आर होगा और एंगल जो बनेगा क्या बनेगा डेल्टा थीटा बना आपका एंगल इन दोनों के बीच में। और यहां पर जो है निकालना दो चीज, पहला आता है कि फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। हम लोग तो रेडियल डायरेक्शन ले लिए, जिससे मतलब कि वो पी डायरेक्शन हो गया, तो क्या हो गया ई डायरेक्शन में तो हम ले लिए। अब क्वेश्चन होता है कि इसमें परपेंडिकुलर चाहिए, तब भी आप कार्य कर सकते हैं, हमको रेडियल भी पढ़ रहा है और ट्रांसवर्स भी पढ़ रहा है, दोनों का वेलोसिटी निकाल रहा है, तो रेडियल के लिए तो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ट्रांसवर्स के लिए क्या करेंगे हमको परपेंडिकुलर चाहिए आपको, तो क्या करेंगे पी से जो मूव किया था क्यू तक का एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पी एम क्यू एम किस पर प्रोड्यूस ओपी, ओपी को आगे बढ़ा करके क्यू से क्यू एम लम डाल दिए हम लोग, जैसे लम डाले यहाँ पर क्या बन गया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन होता है कि हम लोग एक बार निकालेंगे ओपी के अलोंग और निकालेंगे क्यूएम के अलोंग, तो दो डायरेक्शन हो गया। तब इस पर हम देखते हैं प्रूफ करते हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो प्रूफ करने के लिए होता है, तो फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ क्या वेलोसिटी किस पर रेडियल डायरेक्शन में, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन के लिए हो गया, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लिए हो गया आर डी का अपॉन डी टी, दोनों निकालते हैं अभी। लिए क्या कि लेट पी आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, टी टाइम में कहां पर पार्टिकल है पी पॉइंट पर है एंड
दूसरा पॉइंट कितना है क्यू, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा आर प्लस डेल आर, थीटा प्लस डेल थीटा डी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल पार्टिकल एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि टी टाइम पर कितना है, किस पोजीशन पर है, टी पॉइंट पर है, मूव किया कहाँ गया क्यू पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो गया डेल टी। अगर देखा जाए तो वो सेल टी पॉइंट पर भी टी था, क्यू पॉइंट पर कितना हुआ टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि देखिए टी और क्यू जो है बहुत नियर पॉइंट है, रिपीट कर रहा है, इसीलिए स्मॉल चेंजिंग हुआ आपका आर के साथ डेल्टा आर, थीटा के साथ डेल्टा थीटा और टी के साथ डेल्टा टी। फिर क्या किया हम लोग, वी ड्रा परपेंडिकुलर क्यू एम एंड ओ पी ओ पी को आगे बढ़ा कर क्या किया क्यू से क्यू हम लोग लाम डाल दिया, वी ड्रा परपेंडिकुलर क्यू टू क्यू एम ऑन OP, आज OP क्या हुआ रिड्यूस किया गया है, डायरेक्शन है ओ मतलब रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, O से P या P से भी आगे सब क्या कहलाएगा उसी के डायरेक्शन में आपका आ गया, जैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो कल क्या लिए थे यहाँ लंब डाले थे हम लोग इस पर, तो क्या लिए थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन, उस तरह यहाँ भी डाले तो क्या हो गया ट्रांसवर्स डायरेक्शन, कहीं भी लेंगे तो क्या हुआ परपेंडिकुलर के थ्रू क्या कहलाएगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाएगा। देन तब दो को कंपोनेंट्स होता है, देन द कंपोनेंट्स पीएम एंड क्यूएम, दो कंपोनेंट्स आया पीएम और क्यूएम, कब आया जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पी क्यू, एट टाइम कितना डेल्टा टी, डेल्टा टी समय पर कितना हुआ दो कंपोनेंट क्या हो गया कंपोनेंट पीएम एंड क्यूएम, क्यूएम है ना क्या है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, लिख सकते यहां पर ऑफ डिस्प्लेसमेंट पी क्यू एट टाइम टी, द कंपोनेंट्स पी एम एंड क्यू एम है ना, और क्या है डिस्प्लेसमेंट है किसका पी क्यू का, दो कंडीशन आया था कंपोनेंट्स किस समय में टाइम डेल्टा टी। अब क्वेश्चन उठता है कि यही मान निकालना है पीएम और क्यूएम का, पहले कंपोनेंट निकालेंगे, ताकि पीएम निकालेंगे तो हो जाएगा रेडियल वेक्टर किसकी डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में, और क्यूएम के निकालेंगे तो निकालेंगे वेक्टर क्यूएम के अलोंग में। नाउ अब ओ से पी तक का कितना लिया गया आर, ओ से क्यू तक कितना लिया गया आर प्लस डेल्टा आर, एंगल पी ओ एक्स कितना हो गया थीटा, फिर एंगल क्यू ओ एम या क्यू ओ पी लिख सकते हैं कितना डेल्टा थीटा, ये आर जो है इसके रेडियस है वेक्टर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर हमको कंपोनेंट निकालना है पीएम और क्यूएम, इन ट्रिंगल क्यूओएम में एक चीज और रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी रे ओपी के डायरेक्शन में लेंगे यानी कि रेडियल के डायरेक्शन में लेंगे हम लोग तो कॉस थीटा का यूज होता है, और जैसी ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन में लेंगे यानी कि आपका परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में लेंगे तो साइन थीटा का यूज होता है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा
कि कभी कभी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, अब बहुत जगह आपको नहीं निकालेगा और हम भी नहीं निकाल पा रहे आगे चल करके। तो क्या करेंगे कि अगर ये डीएल के डायरेक्शन में है तो कॉस टाइम यूज होगा, ट्रांसवर्स के डायरेक्शन में है तो होगा साइन टाइम यूज होगा, क्योंकि ट्रांसवर्स मतलब क्या परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मतलब क्या वहां पर साइन टाइम यूज होगा आपका। जैसे एक ट्रायंगल QOM में कॉस डेल थीटा का वैल्यू कितना हो गया, OM बटे OQ। यहां देखिए कॉस डेल थीटा ले रहे हैं, यह 90 डिग्री है, तो यह 90 डिग्री का अपोजिट क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। यह एंगल ले रहा है, इसका अपोजिट क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया, हो गया क्या हो गया बेस। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि OM बटे ओ की। ओ एम, ओ एम को लिख सकते हम लोग निकालना नहीं मालूम है, ओ एम कितना हुआ, ओ क्यू मालूम आपको है कितना है, आर प्लस डेल आर। ओ एम का वैल्यू कितना आएगा, आर प्लस डेल आर कॉस डेल्टा थीटा। अब हमेशा हम लोग यूज करेंगे इस तरह से, जैसे रेडियल डायरेक्शन में लेंगे हम लोग तो कॉस का यूज करेंगे, यू रहेगा तो यू होगा, भी रहेगा तो भी रहेगा, आर है तो आर होगा, जो रह दीजिएगा वही होगा आपका। यहाँ पर तो आर है, आर पर डेल्टा आर है। फिर लेंगे कितने इन ट्रिंगल QOM में कितना साइन डेल्टा थीटा, तो साइन डेल्टा थीटा के मान कितना हो जाएगा, QM बटे OQ। तो QM बटे OQ के मान कितना, R प्लस डेल्टा। तो यहां ध्यान दीजिएगा QM के मान कितना आ जाएगा, R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा। यहाँ दो कंपोनेंट्स है यहां पर, और दोनों को हम लोग यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वेलोसिटी दो के डायरेक्शन में। तो पहला कितना है, ओ एम बराबर आर प्लस डेल आर कॉस थीटा, एंड क्यूएम बराबर आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, वहां पर साइन डेल थीटा, यानी कि दो को कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे। अभी यह जो है किस एलोंग में, ओपी के एलोंग में, ये क्या है ओपी के अलोंग में है, लेकिन परपेंडिकुलर टू ओपी, अलोंग ओपी क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ओपी। यह था अलोंग ओपी, क्या है परपेंडिकुलर टू ओपी, दो कंडीशन होता है, बहुत जगह ही होता है। उसके बाद निकालना क्या है, यू बी द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग ओपी एट टाइम डेल्टा टी चट्टी, यहां पर क्यों होगा, क्यों इस पर डेल्टा क्यों होगा, देन ई बराबर क्या लेंगे हम लोग, ई बराबर लेंगे जैसे हम लोग स्मॉल चेंजिंग करते हैं टाइम, जब भी चेंज होता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल चेंज कितना डेल्टा टी था, तो लिमिट क्या लेंगे लोग, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, ओ एम, किसके अलोंग में, ओपी के अलोंग, चाहे पी एम,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी एट टाइम कितना डेल्टा पी टाइम टी यहाँ पर और डिवाइड कितना डेल्टा टी तो कितना बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो कितना हो जाएगा टी पर आपका ओपी पर कितना हो गया पीएम बटे डेल्टा टी तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो तो पीएम का वैल्यू क्या था रख दीजिए आप तो नहीं मालूम है कितना हुआ ओपी पीएम के वैल्यू तो ओ एम माइनस ओपी बाय कितना डेल्टा टी मतलब ओ एम से क्या किए ओपी माइनस कर देंगे तो क्या निकल गया कंपोनेंट्स पीएम निकल गया आपका तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो ओ एम मालूम आपको है कितना आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा माइनस ओपी ओपी कितना था आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू वन होता है कब जब हम लोग पढ़े थे कि चूंकि डेल्टा थीटा इज अ स्मॉल देयरफॉर कॉस डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा वन उस कंडीशन में वैल्यू कितना है वन हो गया तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो अब देखिए आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डेल आर बटे डेल टी यानी कितना हो गया डी आर अपॉन डी टी यह निकल गया वेलोसिटी अलोंग ओपी चाहे वो अलोंग कर सकते हैं रेडियल डायरेक्शन क्या लिखेंगे अलोंग रेडियल डायरेक्शन अलोंग ओपी लिखिए चाहे अलोंग रेडियल डायरेक्शन लिखिए जो लिखना लिखिए इस पर भी मान लेते हैं कि लेट भी बी द वेलोसिटी चाहे कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी अलोंग किसके अलोंग होगा परपेंडिकुलर टू ओपी परपेंडिकुलर टू ओपी इसके पहले तो ओपी के रूप में आपका टूंगर टू ओपी चालीस है तो क्या ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या बोले हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल सकते इसको देन भी बराबर लिमिट डेल टी टेन टू जीरो इसका वैल्यू क्या हुआ की वेव क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट टाइम डेल्टा टी कितना की वेव बटे कितना डेल्टा टी परपेंडिकुलर के अबाउट में जो कंपोनेंट कितना था क्यूएम था और इसके अबाउट कितना था पीएम था दो कंपोनेंट आपका तो पीएम निकाले रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग में और क्यूएम निकालेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन के लॉन्ग में दो लॉन्ग में था दोनों निकाल दे रहा तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो क्यूएम का मान डायरेक्ट मालूम आपको कितना आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल्टा थीटा बटे डेल टी तो वैल्यू कितना हो गया आपका लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो आर प्लस डेल आर कितना इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी क्या होता है इसको ही पढ़े तो हम लोग डेल्टा थीटा इज स्मॉल देयरफॉर साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा
अब देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो आर डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, यहाँ पर डबल है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि नेगलेटिंग डेल्टा आर एंड डेल्टा थीटा चाहे स्मॉल वैल्यू नेगलेटिंग स्मॉल वैल्यू डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए ना निकल करते हैं हायर ऑर्डर चाहे सेकंड ऑर्डर में जब भी रहता है तो सेकंड ऑर्डर से आगे भी रहता है सेकंड में दो गो है का तो क्या करते हैं उसको नेगेट करते हैं और नेगेट न भी करेंगे तो अपने आप होता है देख लीजिए दोनों बताते दोनों रास्ता बताते हैं आपको अगर नेगेट करते हैं तो क्या होता है तो नेगेट करेंगे तो क्या होगा लिमिट डेल्टा टेंट टू कितना मान जीरो हो जाएगा आर डेल्टा थीटा में कितना हो गया डेल्टा टी कितना हो जाएगा आर लिमिट डेल्टा टी टेंट टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कितना हो गया डी टी अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी निकल गया आपका। अगर हम नेगलेक्ट नहीं करते तो क्या होता देखिए नेगलेक्ट नहीं करने पर क्या होता कि लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय कितना डेल्टा टी इसके साथ तो हो जा रहा है लेकिन इसके साथ तो नहीं हो रहा आपका तो क्या करेंगे इसके साथ लाने के लिए एक डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे या डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी प्लस इसका मान क्या होगा डी आर अपॉन डी टी इसका वैल्यू कितना होगा डी थीटा अपॉन डी टी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि डेल्टा टी टेंड टू क्या जीरो है इसका मान डी डी आर अपॉन डी टी इसका मान डी थीटा अपॉन डी टी इसका मान क्या होगा जीरो हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा जीरो तो क्या बचेगा आर डी थीटा अपॉन डी टी नेगेट न भी करेंगे तो लिमिट तो लेगा लेना पड़ेगा अगर लिमिट लीजिएगा तो डेल्टा टी टेंड जीरो है तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगा ऑटोमेटिक जीरो होता है इसीलिए बोला जाता है कि हाँ सेकेंड ऑर्डर या एबोव क्या करते हैं लोग नेगेट कर देते हैं स्मॉल पार्ट को जहाँ स्मॉल पार्ट हो डेल्टा थीटा इज स्मॉल तो डेल्टा इज स्मॉल तो सेकेंड ऑर्डर हाई पावर कितना नेगेट कर देते हैं। ये आपका थ्योरम वन कंप्लीट हुआ देखिए नेक्स्ट थ्योरम टू।